नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी टेक्नो वर्ल्ड, मैं नाम विशाल। और दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ASUS TUF गेमिंग F15 लैपटॉप के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। और आप में से काफ़ी सारे लोग इसमें क्वेरीज हैं कि इसमें क्या प्रोसेसर हमको मिल रहा है, कौन सा GPU मिल रहा है, और GPU और TGP क्या है, और बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो ये सारी चीज़ों पर आप लोगों का कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में एक कंप्लीट ओवरव्यू एंड डिटेल्स को हम चेकआउट करने वाले कि इस लैपटॉप में आपको क्या मिल रहा है, कौन सा प्रोसेसर मिल रहा है, कौन सा GPU मिल रहा है, उन सारी चीज़ों को हम चेकआउट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। तो दोस्तों इस लैपटॉप में कुल मिला के 3 प्रोसेसर हैं जो आपको मिल सकते हैं। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कोर i9 प्रोसेसर है, 11900H प्रोसेसर आपको मिलता है, जो कि 2.5 GHz का प्रोसेसर है। उसी के साथ में जो टर्बो बूस्ट है वो 4.9 GHz का और 8 कोर्स का ये प्रोसेसर है। उसी के साथ में जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो कोर i7 प्रोसेसर है, ये 2.3 GHz का प्रोसेसर है। उसी के साथ में 8 कोर्स का ये भी प्रोसेसर है और 4.6 GHz इसका टर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी है। एंड फाइनली जो थर्ड एंड द लोएस्ट ऑप्शन अवेलेबल वो कोर i5 प्रोसेसर है, वो 11400H प्रोसेसर, जिसका बेस फ्रीक्वेंसी 2.7 GHz की है। उसी के साथ में टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी 4.5 GHz की है और ये हेक्साकोर प्रोसेसर है। तो दोस्तों ये तीनों ही जो प्रोसेसर्स हैं ये 11 जनरेशन का लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं। और अनलाइक लास्ट जनरेशन, यहाँ पे कोर i5 में आपको 6 कोर में देखने में मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो टॉप मोस्ट प्रोसेसर आपको मिलता है वो कोर i9 प्रोसेसर है, 11900H। अब दोस्तों इसके बाद में चलिए बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो इसमें आपको जो ग्राफिक्स कार्ड मिला वो RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड मिला है, जो कि 6GB का वेरिएंट है। और यहाँ पे आपको जो TGP मिल रहा है वो 90 वॉट्स का TGP है, और प्लस यहाँ पे 5 वॉट्स का डायनेमिक बूस्ट है। मतलब कि मैक्सिमम जो यहाँ पे आपको TGP देखने को मिल सकता है वो 95 वॉट्स का होगा विथ डायनेमिक बूस्ट। अब इसके बाद में चलिए बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में। तो जो डिस्प्ले यहाँ पे अवेलेबल है वो 2 अलग अलग डिस्प्लेज हैं। एक डिस्प्ले जो कि 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में था, और जो दूसरा डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। तो अगर आपको यहाँ पे एक हायर रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले चाहिए तो आप 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कलर गैमेट के बारे में बात करें इन दोनों डिस्प्लेज में, तो 240 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है वहाँ पे आपको 100% sRGB कलर गैमेट देखने को मिलता है। उसी के साथ में आपको 75.35% Adobe RGB कलर गैमेट देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले में, तो वहाँ पे आपको जो sRGB मिल रहा है वो 62.5% sRGB कलर गैमेट है, वहीं पे Adobe RGB जो है वो 47.34% है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कलर एक्यूरेसी के बारे में बात करें, तो कलर एक्यूरेसी आपको बेटर देखने को मिलती है 240 हर्ट्ज के डिस्प्ले में, और जो 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले वहाँ पे कलर एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं एज कम्पेयर टू दी 240 हर्ट्ज। तो अगर आपको कलर एक्यूरेसी टास्क लाइक वीडियो एडिटिंग के लिए, फोटोशॉप के लिए, या फिर कोई भी अनदर पर्पज के लिए आपको एक बेटर डिस्प्ले चाहिए, तो आपको 240 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले सेलेक्ट करना चाहिए। और अगर आप इनकेस यहाँ पे लाइक वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग परस्पेक्टिव से चाहिए एक डिस्प्ले, तो आप देन यहाँ पे चूज कर सकते हैं 144 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले। उसी के साथ में दोस्तों अगर हम मेमोरी के बारे में आप बात करें, तो मेमोरी भी यहाँ पे 2 ऑप्शंस में अवेलेबल है। यहाँ पे जो मेमोरी आपको मिल रही है 2933 MHz की है, और साथ में 3200 MHz की है। तो 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी की मेमरीज आपको देखने में मिल रहे हैं। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कौन से लैपटॉप में आपको कौन सी मेमरी मिलती है, तो यहाँ पर जो कोर i5 प्रोसेसर साथ में जो लैपटॉप आता है उसमें आपको 2933 MHz का रैम देखने को मिलेगा। उसी के साथ में जो अदर लैपटॉप्स हैं जिसमें आपको कोर i7 और कोर i9 प्रोसेसर मिल रहा है, वहाँ पे आपको 3200 MHz का रैम मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेमोरी ऑप्शंस अपग्रेडेबल अप टू 32GB सभी लैपटॉप्स में, तो आप कोई भी लैपटॉप में 32GB तक मेमोरी को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे कोर i5 वाला मॉडल है वहाँ पे 2933 का आपको MHz का रैम देखने को मिलेगा, और जो अदर मॉडल्स हैं वहाँ पे 3200 MHz का रैम आपको मिल जाएगा। उसके साथ में अगर हम बात करें स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पे स्टोरेज जो आपको मिल रहा है 1TB का M.2 NVMe PCI SSD है, और साथ में जो एक सेकंड ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आप जो नेक्स्ट में अपग्रेड कर सकते हैं 512GB का SSD को अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं स्टोरेज अपग्रेड के लिए, तो आप यहाँ पे स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करें कीबोर्ड के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो कीबोर्ड मिल रहा है वो RGB बैकलिट कीबोर्ड है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल कलर आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे RGB बैकलिट कीबोर्ड आपको मिल रहा है। और IO पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, इनपुट आउटपुट
आउटपुट पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक हेडफोन जैक मिलता है, उसी के साथ में एक HDMI पोर्ट मिलता है और साथ में तीन USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए पोर्ट आपको मिल रहा है और एक RJ45 LAN पोर्ट मिलता है और उसी के साथ में एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी है जो डिस्प्ले पोर्ट का काम कर सकता है। तो दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करें अब ऑडियो के बारे में, 2x2 watts का यहाँ पे स्पीकर आपको मिल जाता है और कैमरा यहाँ पे जो है 720p HD रेजोल्यूशन का है। तो दोस्तों यहाँ पे कैमरा जो आपको मिला फुल HD रेजोल्यूशन का नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैमरा दिया गया, अनलाइक कि कुछ लैपटॉप्स में हमको कैमराज नहीं देखने को मिले, लेकिन इस लैपटॉप में आपको 720p रेजोल्यूशन का HD कैमरा भी मिल रहा है। दोस्तों बैटरी के बारे में अगर मैं बात करूँ, 90 watt hours की आपको यहाँ पे बैटरी मिलती है जो कि 4-cell लिथियम आयन बैटरी है। उसी के साथ में जो आपको चार्जर मिला 200 watts का AC अडाप्टर है। और दोस्तों अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, तो कल के दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइसिंग कम हो गई थी, लेकिन आज वापस यहाँ पे प्राइसिंग इंक्रीज हो गई। लाइक 1,05,000 रुपीज में जो लैपटॉप आपको मिला था कोर i5 प्रोसेसर साथ में, आज के दिन उसका प्राइसिंग 1,15,000 के आसपास जा चुका है। तो यहाँ पे प्राइसिंग इस लैपटॉप के फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो अभी तक जो लीस्ट प्राइसिंग हमको देखने मिला था वो कल के प्राइसिंग ही थे एंड उसके बाद में आज तो यहाँ पे प्राइसिंग थोड़े बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये था एक ओवर इन ऑल यहाँ पे रिव्यू, कंप्लीट डिटेल्स एंड ओवरव्यू इस लैपटॉप के बारे में। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।